हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एमपी हाई कोर्ट ग्रुप डी की तरफ से आप सभी के लिए रिक्वायरमेंट इनवाइट की गई है। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि एमपी यानी मध्य प्रदेश की तरफ से हाई कोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए ग्रुप डी का रिक्वायरमेंट इन्वाइट की गई है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है और इसका अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहा है, सारी जानकारी आप सभी की इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल अगर आता है तो सबसे पहले आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन दे सके। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए आप सभी को हम बताते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस एंड इसका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर MPHC, ठीक है, इसकी तरफ से आप सभी की रिक्वायरमेंट इन्वाइट की गई। जो ही पोस्ट की बात कर ले तो ग्रुप डी का पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है फ्रेंड्स अप्लीकेशन फी। तो आप सभी यदि जनरल अदर स्टेट से आते हैं तो आप सभी को यहाँ पे 216 रुपया आप सभी को चलान लगने वाली है, ठीक है। और यदि ओबीसी SC ST कैंडिडेट जो भी है उन सभी को 116 रुपये यहाँ पे चलान लगने वाली है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू हो रहा है, तो फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट इसका 9 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट की बात कर ले तो आप लोग 24 नवंबर 2021 तक आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट मोड आप सभी को नेट बैंकिंग द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। एज लिमिट की बात कर ले फ्रेंड्स तो यदि आप सभी का मिनिमम एज 18 ईयर से एंड मैक्सिमम 40 ईयर से तो आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज रिलेक्सेशन जैसे मिलता है ओबीसी को, आप सभी को तो पता होगा कि ओबीसी को यहाँ पे जो है 3 ईयर्स का छूट मिलने वाला है एंड SC ST का जो है फ्रेंड्स 5 ईयर्स का छूट मिलता है। अदर जो है उन सभी को बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर ले फ्रेंड्स तो आप सभी को यदि 4 ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी को 10वीं पास होनी चाहिए एंड आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे LMB ड्राइविंग लाइसेंस आप सभी को होनी चाहिए, ठीक है। फॉर अदर पोस्ट के आप सभी को 8वीं पास ही मांगा गया है। यदि आप लोग 8वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं प्यून का, जो कि ग्रुप डी के अंडर में आता है, ठीक है। वैकेंसी डिटेल्स की बात कर ले फ्रेंड्स तो यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है। यदि टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 708 यहाँ पे आप सभी के लिए वैकेंसी इन्वाइट की गई है। जो कि फ्रेंड्स ड्राइवर की बात कर ले तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा 69 पोस्ट है। एंड मेंटर वॉचमैन वाटर कैरियर की बात कर ले तो 475 पोस्ट है। तो यहाँ पे वाटर कैरियर वॉचमैन एंड मेंटर का मिलाकर के 475 पोस्ट यहाँ पे दे रखा है। और मेल का यहाँ पे 51 है और स्वीपर का 113 है। यदि टोटल हम काउंट करेंगे फ्रेंड्स तो 708 हो जाएगा। कितना फ्रेंड्स 708 ये हो जाएगा एड करने के बाद। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में समझा रखे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को अप्लाई ऑनलाइन मोड क्लिक हियर, यहाँ से आप लोग 9/11/2021 से आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम यहाँ पे आप सभी को नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं एंड आप सभी को डाउनलोड करके दिखाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहा होगा कि ये जो है नोटिफिकेशन हम डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर विज्ञापन संख्या इतना, ये जो नोटिस जारी की गई थी 26/10/2021 को जारी की गई थी। आप लोग यहाँ पे अपना देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 9/11/2021 से स्टार्ट होगा एंड आप सभी को 24/11/2021 तक चलेगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है, आप सभी यहाँ से जो है आप लोग अपना रीड आउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। हम उसका डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले ही। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसमें। 15 टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे पेज है, ठीक है। नोटिफिकेशन में यहाँ पे फ्रेंड्स स्वीपर के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है वैकेंसी, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेतनमान के बारे में दे रखा है फ्रेंड्स, तो आप सभी देख सकते हैं। पद नाम तथा अर्हताएं क्या क्या इसमें होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स वेतनमान कलेक्टर रेट यानी फ्रेंड्स आप सभी का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कलेक्टर जितना जो है वेतन का रेट करेगा, जितना वो लगाएगा उतना ही आप सभी को मिलने वाला है। यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में दे रखा है, यहाँ पे वेतन का कोई इसमें जो है
नहीं दिया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण संबंधी दे रखा है कि जो कैंडिडेट मूल निवासी होंगे मध्य प्रदेश का, उनसे उन सभी को ही जो है आरक्षण मिलने वाला है, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट का यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे चयन एवं अभ्यर्थियों के संबंध में हमें आवश्यक कहता है एवं जानकारी यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है, आप सभी यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, नहीं तो हम बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो भी है यहाँ पे हम आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि यहाँ पे एज के बारे में दे रखा है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है, पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग 40 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है। आवेदन शुल्क यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि यदि आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।